धार के जनजातीय सीनियर बालक छात्रावास में दो छात्रों की करंट लगने से मौत हो गई। घटना बुधवार सुबह करीब 7:30 बजे की है। बताया जा रहा है कि दोनों छात्र हॉस्टल में पानी की टंकी में सफाई करने उतरे थे। इसी दौरान टंकी में लगी मोटर के तार से करंट फैल गया और दोनों उसकी चपेट में आ गए। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही कुछ स्पष्ट करने की बात कह रही है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इस घटना पर दुख जताया है। उन्होंने दोनों मृतक छात्रों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देने की घोषणा की है। साथ ही जांच के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि देश पर दोषी पर कार्यवाही की जाएगी। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने छात्रावास अधीक्षक बन सिंह कन्नौज को निलंबित कर दिया है। जांच के लिए एक टीम भी बनाई गई है। संभागायुक्त दीपक सिंह ने धार जिले के सहायक आयुक्त आदिवासी विकास को निलंबित कर दिया है।